फ्रेंड्स वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स, हो एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट वाला जो टेस्ट है, न्यू टेस्ट GST इसको कहा जा रहा है, जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट, जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट, जो कि रिप्लेस करेगा GTE को जो प्रीवियसली होता था स्टूडेंट वीज़ा लेने के लिए, तो उसको ये रिप्लेस कर दिया है इसने। 23 मार्च से शुरू हो गया। तो इस पर आप, दिस इज़ द डिटेल वीडियो, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। एंड जहाँ पर लोगों का सवाल था विजिटर टू स्टडी होगा या नहीं होगा, इसमें क्लैरिटी आपको एक और आपको देने वाले हैं, डायरेक्ट एविडेंस। जैसे हमने पिछले आपको वीडियो में बताया था कि जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट या जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट के अंदर भी एक एडिशनल क्वेश्चन है, वो आप, हम लिंक भी नीचे दे देंगे एम्बेसी का, ये जिसमें आप खुद भी पढ़ सकते हैं, हम भी आपको समझाएंगे। उसमें उन्होंने एडिशनल क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द एप्लीकेंट्स हु आर इन ऑस्ट्रेलिया ऑन अदर वीज़ाज, उन्होंने उस पर विजिटर वीज़ा नहीं लिखा है, अदर वीज़ाज, इसका मतलब सिर्फ विजिटर वीज़ा ही नहीं कन्वर्ट हो सकता, क्योंकि जैसे 408 है, 408 उसमें भी कोई कंडीशन नहीं आती है, 408 इज ऑल्सो कन्वर्टेबल, विजिटर वीज़ा इज ऑल्सो कन्वर्टेबल, सो all those visas other than student visa or the, and the applicants is in the australia, matlab ki jo visitor visa par australia par hai ya kisi aur visa par australia par hai aur student visa lena chahta hai, uske liye ek additional question hai gs mein, basically usme 7 or 8 questions honge aur as per information it will be available in the online form और एडिशनली दे विल गिव यू द फॉर्म, जैसे भी होगा वो आपको जैसे ही आगे पता लग जाएगा, बट द मेन थिंग इज होगा क्या वो हम आपको बता रहे हैं। तो उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा है दैट इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर ऑन शोर स्टूडेंट एप्लीकेंट्स, जिसकी डिमांड आई नो काफ़ी है, लोगों के बीच में क्वेश्चन है। तो हम क्लैरिटी दे रहे हैं कि स्टूडेंट वीज़ा ऑन विजिटर वीज़ा इज देयर, मिलेगा, बट मक्खन की तरह नहीं मिलेगा, इससे पहले मिल रहा था, राइट? वो हम पहले भी बोलते आ रहे हैं कि आपको पूरा बताना पड़ेगा, ये जो क्वेश्चनिंग होगी इसमें वो यही क्राइटेरिया निकालेंगे कि ऐसे नहीं है कि कोई भी आके ले ले, राइट? आपको प्रॉपर बैकग्राउंड दिखानी पड़ेगी, जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वाई यू वॉन्ट दिस स्टडी, और अगर आप वो करते हैं, ढंग से करते हैं, तो नो इशूज़। और जहाँ तक नो फर्दर स्टे की बात है, नो फर्दर हर एक वीज़ा में नहीं लगेगा, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बताते हैं कि वी आर वेल एस्टेब्लिश्ड, जब विजिटर वीज़ा आप लगाते हो, तो हर एक वीज़ा की ना क्राइटेरिया होता है जो आपको प्रूव करना होता है। अब जैसे स्टूडेंट वीज़ा का ये क्राइटेरिया इन्होंने बदला है, वो हम आपको समझाएंगे। तो विजिटर वीज़ा का हमने कई जगह पर आपको पहले वीडियोज़ में बताया कि उसमें उनका क्राइटेरिया क्या होता है। उसमें उनका क्राइटेरिया यही होता है कि आप बताएं कि आप एक विजिटर हैं, बस उसमें आपको विजिटर शो करने के लिए देर मैनी वेज। अगर उसमें कहीं भी लगेगा कि आप विजिटर नहीं हो, आप तो बस आके कन्वर्ट करने वाले हो, अगर ऐसा रिवील करोगे तो फिर नो फर्दर स्टे आएगी, ठीक है ना? वो नहीं करना है। तो उसके बहुत तरीके हैं ना आने के, तो वो डिपेंड करता है प्रोफाइल के ऊपर। उसके लिए जूम मीटिंग आपके सामने या बुक करें, हम तो पहले भी आपको समझाते आ रहे हैं कि ऐसे आओ जो जी विजिटर मिल जाएगा हमारे से लगवा लो, ये चीज़ नहीं होती। हमेशा हर एक वीज़ा के लिए आपको केस डिस्कशन करना चाहिए कि भाई ये मेरे सरकमस्टांस हैं, ये रिक्वायरमेंट है वीज़ा की, आएगा नहीं आएगा, आइडिया लग जाता है। उसके बाद अगर उसको एनहांस करना है तो उसके भी होती है अपॉर्चुनिटी कि ये आप कर लो, इससे आपका ना जो क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाई अच्छे से होगा। तो वो अगर आप कर लोगे तो आपका क्यों आएगा नो फर्दर स्टे? तो ये क्लैरिटी हम बार बार दे रहे हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है कि हाँ जी अब तो विजिटर वीज़ा भी नो हर एक पे आ जाएगा, दैट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ये हमने क्लैरिटी दी थी। अब हम बात करते हैं जेन्युइन स्टूडेंट की एंड ऑल द स्टूडेंट वीज़ा एस्पायरेंट्स, इसको प्लीज़ गौर से देखिए और सुनिए, दैट विल हेल्प यू। सो बेसिकली जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया उन्होंने आपका जजमेंट करनी है, उसमें कुछ क्वेश्चन होंगे दैट विल बी इन द इंग्लिश, और एक क्वेश्चन का आपको 150 वर्ड्स में आंसर करना है। अर्लियर क्या होता था, GTE जो होती थी, जो बंद हो गई है, उसमें 300 वर्ड्स का एक पैराग्राफ आपको लिखना था, उससे जज होता था। नाउ दैट इज़ फिनिश्ड, उसको भूल जाओ। अब इन्होंने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछने हैं, वो मैं आपको सारे बताने वाला हूँ, और उसके थोड़े थोड़े आपको आइडिया भी दूंगा क्या होना चाहिए उसमें, राइट? और बाकी आप डिस्कस करेंगे केस, देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर, बिकॉज हर एक का सर्कमस्टांस, हर एक का कोर्स ऑफ स्टडी एक जैसा नहीं होता है, सबका डिफरेंट है। यहाँ पर जनरलाइज स्टेटमेंट आपको आइडिया मिल जाएगा होना क्या है, ठीक है? तो
सबसे पहला क्वेश्चन है उनका, जिसमें उन्होंने पूछना है आपसे करंट सर्कमस्टांसेस। राइट नाउ जब आप फाइलिंग कर रहे हो, एप्लीकेंट हो आप, आपके करंट सर्कमस्टांसेस क्या हैं? दिस इज अ जनरल क्वेश्चन, ये हर एक पास आएगा। उसमें उन्होंने पूछना है अभी आप, अगर आप डिपेंडेंट हो, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपने से अगर आप प्लस टू के बाद आ रहे हो तो ऑब्वियसली आपको पिछली स्टडी क्या करी है वो बतानी है, किस स्कूल से करी है वो बता रही है। अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हो, मास्टर्स करने जा रहे हो, तो ग्रेजुएशन का बताइए, ठीक है ना। उसके अलावा फैमिली मेम्बर्स बताइए, टाइज बताइए। और अगर आप अगर प्लस टू के बाद हैं तब तो आप डिपेंडेंट ही होंगे, अगर आप एम्प्लॉयड हैं ऑलरेडी और आगे स्टडी फर्दर करना चाहते हैं तो एम्प्लॉयमेंट की डिटेल। तो करंट सर्कमस्टांसिस में सब चीज़ें वो पूछेंगे, आपकी फैमिली, एम्प्लॉयमेंट इफ़ यू आर डिपेंडेंट, देन योर पेरेंट्स एम्प्लॉयमेंट, योर फैमिली टाइज और प्रीवियस एजुकेशंस जितनी भी आपने करी है, सबका डिटेल आपको देना है। दिस इज नंबर वन क्वेश्चन, करंट सर्कमस्टांसिस। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई ऑस्ट्रेलिया एज स्टडी डेस्टिनेशन, मतलब आप ऑस्ट्रेलिया ही क्यों, क्वेश्चन मार्क, इसको आपको बताना है। इसमें आपको क्या क्या पता होना चाहिए, इसमें आपको थोड़ा ब्रीफ ये करता हूँ। यू शुड नो कि जो भी आप कोर्स कह रहे हो कि मुझे ये पर्टिकुलर कोर्स करना है, तो उसकी आपको रिक्वायरमेंट्स ए टू जेड सब पता होना चाहिए कि इस कोर्स में ये रिक्वायर्ड है और मेरे पास ये है, राइट। और लिविंग का थोड़ा ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से है, कितने लिमिटेड आवर्स आपको वर्किंग के मिलेंगे, एवरीथिंग यू शुड नो। और ये कैसे आपने शॉर्टलिस्ट किया इंस्टीट्यूट, जो भी एजुकेशन प्रोवाइडर के बारे में आप बताओगे, तो वो सारी क्लैरिटी आपको इस क्वेश्चन के अंडर देनी है और बताना है वाई ओनली ऑस्ट्रेलिया। अगर ये कोर्स आपके इंडिया में भी है तो वहाँ पर आप क्यों नहीं कर रहे हो, ये भी एक तरह से उसमें आंसर हो सकता है, राइट। अब ये डिफरेंट कोर्स का डिफरेंट आंसर इसमें होंगे कोर्स के हिसाब से, तो मेन जो रिवील होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। आपको ये बताना है कि ऑस्ट्रेलिया में ही बेनिफिशियल है उसको करना आपके लिए, राइट। सो दैट शुड बी योर रिफ्लेक्शन ऑफ द आंसर्स, राइट। बाकी उसके बारे में जितनी भी डिटेल आपको मालूम है, यू शुड आंसर। नंबर थ्री, हाउ इट विल बेनिफिट यू। तो इन्होंने टारगेट कर दिए क्वेश्चंस जो वो पूछना चाहते हैं, आप ये कोर्स करोगे आपको इसमें क्या फ़ायदा है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फ़ायदा ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं दिखाना, जी हाँ जी मैं तो यहाँ आ जाऊँगा, मेरे को रहने को मिल जाएगा, फिर पीआर मिल जाएगी, दैट इज़ अ रॉन्ग आंसर। यू शुड टेल कि ये वाला कोर्स मैं करूँगा ऑस्ट्रेलिया, एजुकेशन में लूँगा, मेरे को ये मेरी कंट्री में बहुत एडवांटेज देगी, मेरे करियर को एनहांस कर देगी, राइट। और मैं कंपटीशन में आगे निकलूँगा, मेरे को जॉब, अगर वो थोड़ा बिजनेस बेस्ड है, आप बिज़नेस कर सकते हैं उसके बाद, उस कोर्स के बाद, तो यू कैन से दैट मैं अपना बिज़नेस मुझे हेल्प करेगा। या सपोज़ यू आर ऑलरेडी ए बिजनेसमैन और उससे रिलेटेड कोई आप कोर्स अपडेट के लिए कर रहे हैं, तो आप कह सकते हो मैं ऑलरेडी इस बिज़नेस में हूँ, ये कोर्स करने के बाद मेरा बिज़नेस और एनहांस हो जाएगा, मेरे को और नॉलेज हो जाएगी इंटरनेशनल मार्केट की, इंटरनेशनल एक्सपोजर हो जाएगा मुझे, दैट विल हेल्प मी, सो दैट यू कैन डू। So there are many ways to answer this question. The only thing is, आपको ये नहीं कहना है कि मुझे ये कोर्स करने के बाद ऑस्ट्रेलिया में रहने को मिल जाएगा, PR का रास्ता आसान हो जाएगा, no, वो तो ऑटोमेटिकली होना है, बट आपको आंसर में नहीं बताना है, आपको आंसर में अपनी होम कंट्री की ही और या कंट्री ऑफ रेजिडेंस कहीं और आप रहते हो वहाँ का बताना है, ठीक है। देन नंबर फोर, अदर पॉजिटिव्स ऑफ स्टूडेंट रिलेटेड कोर्स, मतलब जो भी आप कोर्स बता रहे हो उसके और क्या पॉजिटिविटीज़ आपकी लाइफ से रिलेटेड आपको मिलेंगी उस कोर्स को करने के बाद, दैट यू हैव टू आंसर कि इससे ये एडवांटेज है। अगर इंजीनियरिंग का कोर्स है तो आप बता सकते हो, और इसके अलावा इसमें आप पर्क्स भी बता सकते हो कि इस कोर्स को करने के बाद मेरे पास इस लेवल का मेरा जो करियर ग्राफ हो जाएगा और इतना मेरा पे बैंड, जो करंट जो यहाँ पर करते हैं कोर्स तो ये पे बैंड रहता है, ये करने के बाद मेरा इतना एक्सपेक्टेड पे बैंड हो जाएगा, दैट विल गिव मी दैट मच एडवांटेज, दैट्स व्हाई आई वांट टू परस्यू दिस कोर्स, ठीक है। तो ये सब आपको उसमें बताना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि लोग पूछ रहे हैं, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, उसमें एक एडिशनल क्वेश्चन फ्रॉम द एप्लीकेंट्स हु आर ऑन शोर, ये एग्जैक्टली उसमें अलग से एक पॉइंट है, आप GS की रिक्वायरमेंट जाके पढ़िए, लिंक हमने इसमें दे दिया है, तो जैसे ही आप GS की रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे उसमें ये सारे क्वेश्चंस के बाद ये आता है क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन फ्रॉम फॉर द एप्लीकेंट्स हु आर ऑन शोर और हु आर नॉट ऑन द स्टूडेंट वीज़ा इन ऑस्ट्रेलिया एंड दे आर लॉजिंग एप्लीकेशन फ्रॉम
नॉन स्टूडेंट वीज़ा मीन्स आप ऑस्ट्रेलिया में हो लेकिन नॉन स्टूडेंट वीज़ा पर हो, तो कौन कौन से वीज़ा, इसमें सभी वीज़ा आ गए स्टूडेंट वीज़ा को छोड़ के, विजिटर भी आ गया, 408 टेम्परेरी एक्टिविटी भी आ गया, बला बला बला, जितने भी जिस तरह भी आपने एंट्री करी है, सो ऑल वीज़ाज आर कवर्ड अंडर दिस कैटेगरी। और आपके लिए एडिशनल क्वेश्चन होगा यहाँ पर कि वाई आप इस वीज़ा पर आए थे, नाउ वाई यू वॉन्ट टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल यहाँ आपको बताता हूँ, ट्रेड कोर्स वोट वही आप मोस्टली करते हैं, तो उसके लिए हम पहले भी कहते आ रहे हैं कि अब आप बैकग्राउंड बना के जाइए, ठीक है ना। अगर आपने कारपेंट्री का कोर्स करना है सपोज, और आप विजिटर वीज़ा आपका लग गया, यू आर देयर, अब वो कैसे लगाना है वो भी ढंग से लगाना पड़ेगा, ऐसे लगा लोगे तो नो फर्दर स्टे वाला का तो कोई एडवांटेज नहीं है ना, तो ढंग से लगाएंगे नो फर्दर विदाउट उसके वीज़ा आपके पास आ गया, नाउ यू आर इन ऑस्ट्रेलिया, यू वांट टू हैव दिस कारपेंट्री, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कारपेंट्री की, ठीक है, कोई भी हो सकता है एक्स वाई जेड, तो उसमें आपके पास बैकग्राउंड होनी चाहिए कारपेंट्री की, कि मैं अपने होम कंट्री में भी ये काम करता हूँ, एज ए हॉबी करता हूँ या एज ए मेन मेरा ये काम है, राइट, सो यू कैन से दैट। और अगर आप एज ए साइड बिजनेस करते हैं, यू कैन शो दैट मेरा ये साइड बिजनेस है, उसको प्रूव करिए डॉक्यूमेंट्स, ये मैं आपको बताऊंगा, हर एक चीज़ की आपको एविडेंस देनी है, ये भी है लिखा हुआ उन्होंने क्लियरली, ऐसे ही लिख दोगे जी हम ये करते हैं उसका जीरो वैल्यू, यू हैव टू सपोर्ट विद एविडेंस, हर एक चीज़ की एविडेंस लगेगी, वो भी हम आपको डिटेल में बताते हैं। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस ऑफ दिस वीडियो, जिसमें ये मैसेज क्लियरली दिख रहा है कि दे विल गिव यू द वीज़ाज ऑन विजिटर वीज़ा, बट आपको ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी हैं, और ये नॉलेज लोगे तो हो जाएगा, कोई वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, मिलेगा, राइट, हवा मत समझिए इसे, इट इज़ वेरी सिंपल, दे वॉन्ट टू आस्क यू वाई एंड यू हैव टू रिस्पॉन्स दिस इज़ द रीज़न दैट्स वाई, तो इतना सिंपल है, बस उसको सपोर्ट करना है। अगर आपके पास सपोर्टिव एविडेंस नहीं है उसको बना के जाइए, ठीक है ना, अगर कारपेंट्री का नहीं कर रखा तो पहले कर लो कुछ, ठीक है ना, कोई आईटीआई से या ऐसे प्राइवेट कोर्स कर लो, वो दिखा दो सर्टिफिकेट, भाई मेरे पास ये है, इससे मेरा कुछ नहीं हो रहा इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया से कारपेंट्री करूँगा, वोकेशनल सर्टिफिकेट लेवल 3 का कोर्स मिलेगा, मेरे को बहुत फ़ायदा हो जाएगा, तो वो एविडेंस लेके जाने पड़ेगा, ऐसे नहीं है बस मुँह उठा के चला गया, अभी तो मुँह उठा के वीज़ा भी नहीं मिलेगा, वो तो वैसे ही नहीं मिलता ऑस्ट्रेलिया का, राइट, तो सपोज़ अगर मिल भी गया विजिटर वीज़ा विदाउट कंडीशन वाला भी मिल गया, फिर भी आप कहोगे आपका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है कारपेंट्री में, मुझे कारपेंट्री करनी है, फिर नहीं देंगे, ठीक है ना। तो अगर आपका वीज़ा आ जाता है, सबसे पहले तो वीज़ा लो विजिटर वीज़ा ढंग, सबसे पहले तो डिस्कशन करो हमारे से या जो भी आपको सही लगता है, मीटिंग आपके सामने नंबर फ्लैश हो रहे हैं, सबसे पहले डिस्कशन करो कि कैसे करना है। और कारपेंट्री का एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड आपके पास बैकग्राउंड होनी चाहिए, अगर नहीं होगी यू वोंट गेट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा ऊपर उधर वाला, उसके लिए भी तो प्रिपरेशन करनी है, पहले तो यहाँ का बढ़िया दिखाना है, फिर वहाँ जब जाओगे वो भी हम आपको डिस्कशन करके बताएंगे, ऐसे करके जाओ, सबसे पहले डिस्कशन करो, विजिटर वीज़ा लो, उसके बाद यहाँ से तैयारी करके जाओ, 3 साल का वीज़ा मिलता है, बहुत टाइम है, राइट, टाइमली करेंगे, ढंग से करेंगे तो फिर वहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट, तो ऐसे करना। सो दिस इज़ द डायरेक्ट एविडेंस, आप खुद जाके पढ़ सकते हो, आपके नीचे हमने यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, खुद भी सर्च करोगे जनरल स्टूडेंट रिक्वायरमेंट ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी फॉर ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा, यू विल गेट दैट पेज, और उसको पढ़ो ढंग से, आगे जाके दिखेगा, ऐसे नहीं है हेडिंग दिखी हुई है, अंदर से इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ती है, बट आपको मैंने बता दिया दैट इट इज़ कन्वर्टेबल, यू विल गेट द वीज़ा, द ओनली थिंग इज यू हैव टू सेटिस्फाई, राइट। नाउ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, हर एक चीज़ का आपको लगाना है, अटैचमेंट्स, एविडेंस ऑफ प्रीवियस स्टडीज़ नंबर 1, इसमें आपको डिग्रीज, मार्कशीट्स, कितना लेंथ, कहाँ से आपने कोर्स करा है, एवरीथिंग यू हैव टू अटैच, उसके बिना वो मानेंगे नहीं, भाई कहीं से भी कर लिया, अब जी मैंने तो करा हुआ है कारपेंटरी, वो नहीं चलेगा, कोर्स दिखाना पड़ेगा आपको। नंबर 2, करंट जॉब, अगर आप अभी काम कर रहे हैं, आगे फर्दर पढ़ना चाहते हैं, तो करंट जॉब के डॉक्यूमेंट्स, सैलरी स्लिप्स, ITR, एवरीथिंग, और अगर आप डिपेंडेंट हो तो पेरेंट्स के सारी चीज़ें लगेंगी। नंबर 3, एविडेंस फॉर सर्कमस्टांसिस इन होम कंट्री एंड कंट्री ऑफ रेजिडेंस, मीन्स अगर आप अपने इंडिया में ही हो तो इंडिया में सारे सर्कमस्टांस, फैमिली का कर लो सारा कुछ, उसमें अटैचमेंट्स करें, आधार कार्ड, एवरीथिंग, एंड डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट्स के बारे में सारी डिटेल्स, एवरीथिंग जो होता है नॉर्मली, वो सब इसमें अटैचमेंट्स होंगी, और इकोनॉमिक सर्कमस्टांसिस उसमें यही सारा कुछ, ITRs, और स्पेसिफिकली दे वॉन्ट टू सी फॉर 12 मंथ्स,
मतलब आज आप कर रहे हो तो पिछले पूरे साल का वो आपसे जायज़ा लेंगे कि आप अगर आप खुद एम्प्लॉयड हो तो आपने 12 महीने क्या किया, अपना सैलरी का सारा बताएं, एम्प्लॉयमेंट की सारे एविडेंस दें। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो बिज़नेस का सारे डॉक्यूमेंट्स दीजिए, और इसके बाद इसमें इकोनॉमिक वाले जो एविडेंस है आपको ये भी बताना पड़ेगा कि इस कोर्स को करने के बाद आपका क्या क्राइटेरिया रह सकता है, मतलब कैसे आपको एनहांसमेंट मिलेगी करियर के अंदर, राइट। उसमें एग्जांपल क्या होती है, सपोज अगर आपको कोई फ्रेंड है ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन के बाद बहुत अच्छा कर रहा है, अगर असेस है तो, ये हर एक के लिए नहीं है, हर एक का थोड़ी ऑस्ट्रेलिया में फ्रेंड होगा, एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर ऐसा है तो उसका बता दो कि वो ऐसे ऐसे था फलाना, उसने ये कोर्स किया, उसका इतना पैकेज लग गया, राइट। तो जो एविडेंस आपको अवेलेबल हो सकती है वो आपको ज़रूर लगानी है, ठीक है ना। सो ओवरऑल समराइजिंग दिस वीडियो, तो GS जो रिक्वायरमेंट है बेसिकली 3 मेजर क्राइटेरिया के ऊपर आपका वो जेन्युइन स्टूडेंटशिप देखेंगे। नंबर 1 वो देखेंगे सरकमस्टांसेस, अगर आप ऑनशोर हैं तो ऑनशोर के सरकमस्टांसेस भी मैटर करेंगे, अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो स्टूडेंट वीज़ा, अगर आप स्टूडेंट हैं जेन्युइनली तो वहाँ के सरकमस्टांसेस, अगर आप डिपेंडेंट हो तो आपके पेरेंट्स के सरकमस्टांसेस, ठीक है। इसमें ये नंबर 1 क्राइटेरिया होगा, और इस सरकमस्टांसेस में हमने सब डिस्कस कर लिया, इकोनॉमिक भी होगा आपका, स्टडी से रिलेटेड भी होगा, और फैमिली टाइज भी होंगे, दिस इज़ नंबर 1। अब यहाँ पर एक मैं एडिशनल क्वालिफिकेशन दे देता हूँ कि जैसे कि अगर आप सरकमस्टांसेस में फैमिली टाइज, कोई आपका ऑस्ट्रेलिया में भाई बहन है तो उसका भी पूछेंगे वो कोई है, और अगर उसमें उसने कुछ गड़बड़ कर रखी है, राइट, कि कोई भाई आया विजिटर पे, उसने प्रोटेक्शन वीज़ा ले रखा है, अब आप आ रहे हो और उसके बारे में आपसे पूछ लिया और उसकी हिस्ट्री ऐसे है, तो फिर दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट यू कि भाई ये तो पहले इन्होंने ये सिस्टम बनाया हुआ, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें। सेकंड, इमिग्रेशन हिस्ट्री ऑफ योर्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको विजिटर वीज़ा मिला हुआ है पहले, उसमें आपने सारी, कहीं का भी मिला है, चाहे ऑस्ट्रेलिया का मिला है, उसमें आपने सारी कंडीशंस फॉलो करी हैं, कोई रिफ्यूज़ल तो नहीं है इसमें। मैंने आपको पहले भी क्लैरिटी दी थी कि आप स्टूडेंट वीज़ा में अगर विस्टा की रिफ्यूज़ल हो गई तो प्रॉब्लम आएगी, सो डोंट मेक मिस्टेक रैंडमली, ठीक है ना। और अगर उन्होंने पूछा, अगर कोई और वजह से आया हुआ है, जैसे आप माइनर होता है बिलो 18, और आपके पेरेंट्स ने आपका वीज़ा लगा दिया और आपका आया नहीं, तो उसमें तो आपका तो कोई दोष है नहीं, तो फिर वो पेरेंट्स के ऊपर उनका क्यों आया था तो उसकी वजह से करेंगे, तो मतलब इमिग्रेशन चेक होंगे आपके कि आपके पीछे क्या सारा कुछ है, ये स्टूडेंट वीज़ा ग्रांट करने, ये सारा उसका क्राइटेरियन है और उसके कंप्लायंस, ठीक है जी। तो ये ओवरऑल था जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट जो स्टार्ट हो चुकी है, और कोई डरने वाली बात नहीं है, ढंग से आंसर करोगे तो यू विल बी प्रूविंग दैट आई एम जेन्युइन स्टूडेंट, ठीक है। और दोनों पे एप्लीकेबल है, चाहे आप ऑफशोर हो चाहे आप ऑनशोर हो, ठीक है ना। ऑनशोर के लिए एक एडिशनल क्वेश्चन है जिसमें वहाँ के सरकमस्टांसेस आपके पूछेंगे कि आप इधर कौन से वीज़ा पर आए और अब इस इधर से क्या विचार है आपका, आपकी बैकग्राउंड क्या है, क्यों करना चाहते हो कोर्स, तो वो मैंने आपको समझा दिया, इसमें आइडिया दे दिया। बाकी जूम मीटिंग का नंबर के लिए आप फ्लैश हो रहा है, डिस्कस विद अस, वी लेट यू नो हाउ टू प्रोसीड, राइट। तो अब ये सारा कुछ लिखा हुआ है तो इसका मतलब यही है ना कि वो मिलेगा आपको वीज़ा, ठीक है ना। इसका मतलब ये तो नहीं कि मिल नहीं मिलेगा, जैसे कई नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। होप द मैसेज इज़ क्लियर, यू कैन योर सेल्फ ऑल्सो सी ऑल दीज थिंग्स अवेलेबल है, रिलीज़ हो चुकी हैं उनके होम अफेयर्स की, एम्बेसी की वेबसाइट पर सब अवेलेबल है, हमने लिंक भी दे दिया आपके लिए, ठीक है, नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, एंड यू कैन बुक अ स्लॉट विद द नंबर विच इज़ फ्लैशिंग, और यू आर वेलकम। बाकी विजिटर वीज़ाज आप लगवाना चाहते हैं उसके लिए भी हम डिस्कशन करते हैं, और आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट वे बताएंगे जिससे नो फर्दर स्टे ना आए, ठीक है ना। अब वीज़ा लगाने से पहले एक डिस्कशन ज़रूर कर लो, उसके बाद ही वीज़ा लगाना, दैट विल हेल्प यू। थैंक यू, होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।